हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद इंजीनियर रजनीश मिश्रा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक नए सेट को शुरू करते हैं। चलिए, पर्यावरण के कुछ नए क्वेश्चंस इसमें हैं। चलिए फर्स्ट देखें, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाता है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, इसी को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, 1935 में, और 1947 में इसका नाम राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान था, और वर्ष 1957 में इसका नाम बदल के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है, बताइए। सभी लोग को मालूम होना चाहिए। इसका सही आंसर है प्रोटीन की कमी से। क्वाशरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में शरीर की वृद्धि एवं विकास बाधित होता है। आगे चलते हैं। रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है, पीछे कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इसमें होता क्या है, 1 से 9 तक की संख्याएँ होती हैं, और इसमें अंकित प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है, (10). आगे चलते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये भी पीछे एक बार आ चुका है। उस समय हमने बताया था आपको कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक जो होता है वही वन्य प्राणी सप्ताह होता है। तो 1 से 7 अक्टूबर के लिए हो जाएगा। खोज लीजिए कौन सा है, ये रहा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं तो ध्यान रखेंगे। आगे चलें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, बताइए आंसर। इसका सही आंसर हो जाता है थायमिन। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन बी वन नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। लौंग एवं केसर के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं, बताइए आंसर। ये दोनों फूल से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जड़, तना, फल, फूल सब कुछ दिया है, तो ये फूल जो होते हैं उन्हीं से ये बन जाते हैं, लौंग केसर, तो फूल से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल है, राजकीय वृक्ष बुरांश है, और राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसमें देखिए 3 आर, तीनों याद कर लेते हैं, आंसर तो अभी निकल ही आएगा कौन सा ऑप्शन सही है। पहले क्या होता है, देखिए, रिड्यूस, पहले आर से है रिड्यूस, कम करना, और उसके बाद फिर क्या होता है, पुनः चक्रण या रीसाइकिल, और लास्ट में उसको नवीनीकरण करना, रिन्यूएबल। ये याद रखेंगे, रिड्यूस, रिसाइकिल और रिन्यूएबल। होता क्या है, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, इसको ध्यान में रखने से। पहले क्या है, देखिए, वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नीतिगत बयान की घोषणा की, जिसमें पहला क्या, रिड्यूस, कचरे में कमी लाया जाए, फिर रिसाइकिल, उसको पुनः चक्रण किया जाए, और फिर रीयूज, पुनः उपयोग में लाया जाए उसे। तो इसके लिए सही आंसर अपना कौन सा है, देख लीजिए, पहला ही दिया है, कम उपयोग, फिर पुनः चक्रण और पुनः निर्माण, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं।
ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है? ये पीछे आया था, पिछले सेट में भी था, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अप्रदूषकीय स्रोत है, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है और ये रिन्यूएबल भी है। आगे चलते हैं, पृथ्वी का ऊष्मायन, इसका क्या अर्थ है? देखिए, पृथ्वी का ऊष्मायन, पृथ्वी का वातावरण जो गर्म होता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? पृथ्वी का ऊष्मायन कहते हैं। और किस वजह से होती है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होती है, और उसमें मेनली CO2 और मीथेन जैसी गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो पहला देख लेते हैं, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को पृथ्वी का ऊष्मायन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, बताइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाता है वस्तु की आयु ज्ञात करने में। इस विधि से किसी वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि वह वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है, खासकर पेड़ों वड़ों पर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, कितना पुराना पेड़ है। तो किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है? इसको स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, स्टोन लेप्रोसी। देखिए, अम्लीय वर्षा से जो ऐतिहासिक इमारतें हैं या मूर्तियां हैं उनका क्षरण होता रहता है, इसी प्रक्रिया को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। अम्ल वर्षा पीछे आ चुका है, किससे किससे होता था? एक SO2 हो गया और NO2 हो गया, इन्हीं दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर स्टोन लेप्रोसी। आगे चलते हैं, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। सही आंसर इसका हो जाता है गंगा की स्वच्छता। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता है। अगला क्वेश्चन देखें, मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो किसका परिणाम है? ऑप्शन ध्यान से आप लोग पढ़िए, बताइए आंसर। इसका सही आंसर है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। देखिए, मिनामाटा रोग शरीर में पारे की अधिकता से होता है, ठीक है, मरकरी HG, या यही एक ऐसा तत्व है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, या पारा औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में जल में छोड़ा जाता है। ऐसे प्रदूषित जल के सेवन से यह रोग तेजी से फैलता है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, ये पीछे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको बता चुके हैं, क्या आंसर हो जाएगा? IUCN। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1948 में, और कहाँ पे हुई थी? स्विट्जरलैंड में ग्लैंड नामक स्थान पे, ग्लैंड। चलिए आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई थी। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। आगे चलते हैं, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? ये भी देखिए, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? परावैगनी या अल्ट्रावायलेट रेज को। आगे चलते हैं, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाता है सरला बहन। संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक की लेखिका हैं, या पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित पुस्तक है। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 342,239 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर बताइए,
एक क्वेश्चन रहता ही है कि किस तिथि को कौन सा दिवस है, या उल्टा करके पूछ लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ, बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है रियो डी जेनेरो। वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुआ। इस सम्मेलन विकसित देशों को हानिकारक गैस उत्सर्जन को वर्ष 2000 तक 1990 के स्तर पर लाने से संबंधित प्रस्ताव को पास किया गया था। आगे चलते हैं। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है, चार ऑप्शन है, चारों आप पढ़िए आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, ठीक है। और मैं देखिए नहीं कुछ ऐसा है, पारंपरिक फसलों का उगाया जाना ये है नहीं उतना उपयुक्त, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाना ये भी नहीं, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिए जाना ये इससे तो और ख़राब हो जाएगा। तो क्या सही है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, इससे जल का स्तर बना रहेगा। आगे चलते हैं। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, खूब ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। इसमें बहुत से बच्चे पता नहीं क्यों कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए जहाँ भी उत्पादक लिखा है तो तुरंत काट दीजिए, ये गलत हो गया ये गलत हो गया, क्योंकि प्लांट्स जो हरे पौधे हैं ये उत्पादक होते हैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा है। उसके बाद बढ़ेंगे तो उपभोक्ता पे आएंगे, तो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो अपने आंसर में क्या हो जाएगा, घास थी या प्लांट थी उसको कौन खा रहा था, टिड्डा, टिड्डे कौन खा रहा, मेंढक। तो क्या आंसर इसका सही हो गया प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। यदि मेंढक एक टिड्डे को खा रहा है तो इस श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होगा, ठीक है ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, खूब ध्यान से पढ़िए आंसर बताइए। ये सब तो घरों में भी आयुर्वेद के लिए यूज होता रहता है, कैसे हम लोग तमाम बीमारियों को दूर करते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कटे घाव के लिए हल्दी का चूर्ण एंटीसेप्टिक होती है, इस वजह से सामान्य ज्वर हो तो मेथी के बीज, और आँख में सूजन हो तो ताजे धनिए के बीजों से, और दांत का दर्द हो तो लौंग या हींग हम लोग यूज करते हैं, ये इसका सही क्रम हो जाएगा, सुमेलन हो जाएगा। तो जैसे ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से आप सेट कर लेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, अब तो सबको याद भी हो गया होगा। इसका सही आंसर क्या है, समुद्र या जल। समुद्र में पाए जाने वाला पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे बड़ा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, पुरस्कार का क्या नाम है बताइए। इसका सही आंसर है वृक्ष मित्र। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 से इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण एवं बंजर भूमि के विकास में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए इसका आंसर दीजिए। देखिए जेट्रोफा पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, बायोडीजल इससे प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। रिंगाल बांस के समान एक झाड़ी युक्त पौधा होता है जो घरेलू उपयोग में काम आता है, इससे इमारती लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया, यही पूछा ही था, सुमेलित नहीं है, बाकी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है, ध्यान से देखिए आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल तथा रसधानी।
क्लोरोफिल तथा रसधानी दोनों पौधे में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, तो यही इसको अलग करता है। आगे चलते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, MIC हम लोग याद रखते हैं, वही इसका आंसर है, मिथाइल आइसोसाइनेट, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के थे, कुछ सेट और बचे हैं, उनको कर लेने के बाद कुछ हम वन लाइनर बना देंगे आपके, जो छूटे हुए हैं, जो सेट में नहीं पूछे गए हैं या इधर रिसेंट में पूछे गए हैं, तो पूरा आपका तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।